के एक वीडियो की बात करें तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो के लेकर क्या कुछ सच्चाई है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, पर आए दिन अगर हम बात करें, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आए दिन तमाम लोगों का आरोप रहता है कि उनके साथ मार पिटाई जो है वो की जाती है। और इसी तरह का एक वायरल वीडियो जो है एक ड्राइवर द्वारा बनाया गया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है, और जिसके बाद उस ड्राइवर ने खुद ही वीडियो जो है पोस्ट कर दिया। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो पूरी जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे और वो सुनाएंगे कि आखिर ड्राइवर ने वीडियो में हम यहाँ टमाटर मोड़ में बैठे हुए हैं। मेरी गाड़ी का नंबर 4795JK02AB विक्टर बी ट्राले का ड्राइवर हूँ मैं, जहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रहता हूँ, लोकल आदमी हूँ जहाँ का। कल सुबह जब गाड़ियाँ रोक दी तो मैं नीचे खड़ा था। रात को इन्होंने गाड़ियाँ 1 बजे ड्राइवरों को जगा के छोड़ा तो उनसे पैसे लिए। पीछे से मैं भी आया, मेरे सर पे जे डांग मारी है, मेरा सिर फोड़ दिया है। और बताइए अब इनके साथ क्या किया जाए। मैं ये वीडियो में ग्रुप में डाल रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल किशोर वीडियो हमने दिखाई। हालांकि वीडियो को जो है हमने थोड़ा हाइड किया हुआ है क्योंकि उस व्यक्ति की अगर सिर की बात करें तो पूरी तरह से खून जो है वो नजर आ रहा है, और उस वजह से हम पूरी वीडियो जो है इस तरह हमको नहीं दिखा पाए। पर ये एक बार फिर से मैं सुनाना चाहूंगी, उस ड्राइवर ने क्या कहा है वो पहले। हम यहाँ टमाटर मोड़ में बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी का नंबर 4795JK02AB विक्टर बी ट्राले का ड्राइवर हूँ मैं, जहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रहता हूँ, लोकल आदमी हूँ जहाँ का। कल सुबह जब गाड़ियां रोक दी तो मैं नीचे खड़ा था। रात को इन्होंने गाड़ियां 1 बजे ड्राइवरों को जगा के छोड़ा तो उनसे पैसे लिए। पीछे से मैं भी आया। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने साफ तौर पर सुना कि उसने बताया कि वो एक ट्राले का ड्राइवर है और टमाटर मोड़ का उसने जिक्र किया है और लोकल वहां का रहने वाला ये व्यक्ति था, और जिस तरह उसने कहा कि उसे जो है पुलिस द्वारा लाठी से जो है मारा गया और जिसके बाद पूरा सिर जो है उसका खून से भरो। किशोर इस वीडियो के बारे में क्या कुछ अभी तक सामने निकल के आया, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और क्या कोई अभी तक ऑफिशियल की तरफ से इस पे कोई बयान आया? बिल्कुल देखिए जिसलीन, जिस तरह से ये वीडियो जो है वो बीती रात से वायरल हो रहा है, और साफ तौर पर हम ये देख इस वीडियो वायरल में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो चालक है वो लहूलुहान हो गया, उसके खून आप सिर पे साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात सिर्फ कल की वीडियो की मैं बात नहीं करूंगा, आए दिन हमने साफ तौर पर देखा है कि आए दिन इस तरह की जो वीडियो है वो वायरल होती रहती है। ट्रैफिक विभाग की बात करूं या पुलिस की मैं बात करूं तो आए दिन जो है जो चालक है वो सवाल ये निशान उठाते हैं। लेकिन इस वीडियो की मैं बात करूं काफी इस पे सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकल, आपने साफ तौर पर ये साफ तौर पर देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वो यातायात के लिए बंद था। काफी सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक चालक जो कश्मीर की तरफ जाना चाहता था या जो टैंक खड़े थे रास्ते में जो कुद की तरफ से निकलते हैं, ये वही इलाका कुद का ये इलाका है। वहां पे ये हमने जब हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जो जानकारी इसमें मिल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो ये चालक था ये भागने का प्रयास कर रहा था। अभी ये क्यों भाग रहा था, उनकी बैरिकेड को क्यों भाग के यहां से निकल रहा था, लेकिन ये हमने आए दिन देखा है कि जिस तरह से लहूलुहान उस चालक को किया गया है, ये कौन से कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस को किसने ये इतनी बड़ी परमिशन दे दी है कि आप इस तरह के जो है वो डंडे जो है वो आम लोगों की बात करें या चालकों पर बरसाएं। और आए दिन जो कश्मीर से जम्मू से जो कश्मीर की तरफ जो चालक जाते हैं उनकी तरफ से आए दिन इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं कि जब हम जखैनी चौक के नाके में पहुंचते हैं, उसके आगे जब नाके में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं और साथ साथ में जो है वो डंडे बरसाते हैं। लेकिन अभी अब जब हमने जो DSP जो ट्रैफिक है उनसे भी हमने कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास किया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब ये रात के समय जो हमारे ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी वहां पे खड़े थे तो बैरिकेड में जो उनका जो ट्राला है वो टकराता है तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनका ट्रैफिक अधिकारी है वो नीचे गिर गया है। उसी के चलते जैसे ही ये ट्रल चालक थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उनकी तरफ से स्लो स्टेप चलाता है, जैसे ही ट्रैफिक विभाग का वहां पे कांस्टेबल आता है तो कहीं ना कहीं वो डंडा बरसा देता है। लेकिन जिसलिए ना आप खुद ये साफ तौर पर देखते हैं, आए दिन हमने देखा है जम्मू के अंदर हो या उधमपुर के अंदर हो इसी तरह की जो है ट्रैफिक की जो है वीडियो है इस तरह की वायरल होती है। लेकिन अब ये सवाल पुलिस पे भी उठता है और ये ट्रैफिक पार्क पे उठता है कि जिस तरह से अभी DSP साहब ने पूरी तरह से ये पल्ला झाड़ दिया कि कहीं ना कहीं जो है उनका आपस में जो इस तरह का जो मामला था वो सुलझा दिया गया है, लेकिन क्यों
आए दिन जो है वो ट्रक चालक हैं इस तरह के जो है वो सवाल ट्रैफिक विभाग के उठाते हैं। किशोर, क्या लगता है यहाँ पावर का मिसयूज किया जाता है अगर बात करें? बिल्कुल, देखिए आए दिन हमने पिछले साल भी आपने साफ तौर पर देखा था जिखैनी चौक से इसी तरह से एक बड़े अधिकारी की जो वीडियो थी वो कश्मीर की तरफ जो एक मुसाफिर जो जाना चाहता था इसी तरह से डंडे बरसाए गए थे। अब इसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है खुद से जो है वो चालक अपनी वीडियो वायरल कर रहा है उसमें ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद देखिए जसलीन किस तरह से जो हम वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते कि वो जो चालक है वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो। लेकिन अब जिस तरह से ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर वो नाका तोड़ के जा भी रहा था, माना कि वो जा रहा था, क्या उस पर कानून कार्रवाई नहीं कर सकता ट्रैफिक विभाग? इस तरह की क्यों उनको जरूरत पड़ी कि एक चालक पे जो है वो डंडे बरसाने की कोशिश की? और दूसरी सवाल यहाँ पे भी उठता कि जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा, आए दिन हम ये देखते हैं कि जो कश्मीर के चालक होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जखैनी चौक पे रोक दिया जाता है, लेकिन लोकल्स जो चालक होते हैं उनका आए दिन ये रहता है कि हम अपने घर में पहुंच जाएं या अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है तो हम हमारा घर आसपास है तो हम वहां पे अपनी गाड़ियां जो है वो खड़ी कर दें। अगर कार्रवाई को छोड़ा भी गया, अगर वो उसने नाका तोड़ा भी, अब जिस तरह से ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब हमने डीएसपी से कुछ मिनट पहले बात की उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पे जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी पड़े थे हमें ऐसा लगा कि जो था ये बैरिकेड तोड़ के यहां से निकल रहा था, माना कि वहां से ये चालक जा रहा था। और जिस तरह से चालक का कहना है साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं आए दिन हमें इस तरह का जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से तंग किया जाता है, हमसे जो है वो गाली गलौज की जाती है। लेकिन हमने भी ये साफ तौर पर देखा है आए दिन जो है वो ट्रैफिक विभाग पे कोई ना कोई जो है वो चालक जो है वो सवाल के निशान उठाते हैं। सिर्फ चालक की मैं बात करनी, ट्रक वालों की मैं बात नहीं करूंगा, जो भी जहां भी कहीं ट्रैफिक विभाग की तरफ से नाका भी लगाया जाता है वहां भी जो आजकल के जो नौजवान है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं निशान उठाए जाते हैं। अब आने वाले दिन बताएंगे जिस तरह से अभी हमने डीएसपी साहब से बात की है क्या अब पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है, अगर गलती चालक ने की थी तो इस तरह की अगर ट्रैफिक के पास या पुलिस के पास इतना बड़ा अपनी वर्दी का इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं तो अब आने वाले दिन इनको बताएंगे क्या इस तरह की जो है वो ठंडे लोगों के आम लोगों पर इस तरह से बरसाते हैं। और जो आए दिन हमने ये देखा है कि जो ये चालक हैं काफी कई दिन जो है वो रोडों पे ही इसी तरह से गुजारते हैं जब राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद होता है। अब आने वाला दिन बताएंगे क्या इसमें ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई बयान जारी किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास की जानकारी आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस मसले को जो है सुलझा दिया गया है ट्रैफिक विभाग की तरफ से और जो वहां का जिस चालक के साथ ये जो मारपीट हुई। बिल्कुल किशोर, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर वो व्यक्ति नाका भी तोड़ रहा था तो इस तरह उसे लहूलुहान करना कि डंडे से इस तरह से पीटना वो कहीं का भी इंसाफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर है उसे इंसान फॉलो कर सकता है, उसके तहत जो है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अगर जुर्माना था जुर्माना जो भी उसकी जो है बात करें तो वो फाइन जो है वो करना चाहिए था, पर उसके बजाय जिस तरह से डंडों से इस तरह पीटना वो कहीं ना कहीं गलत है और उस पर जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए कि इस तरह जो है किसी को हक नहीं दिया जाता। और जिस तरह आपका भी कहना है कि सिर्फ ये आज की ही वीडियो नहीं है, कई बार इस तरह की वीडियो सामने आती है, चाहे हम जम्मू की मेन सिटी की भी बात करें जहां पर लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, इस तरह की वीडियोज भी सामने आती है जहां पर लोगों का ये आरोप जो है वो साफ तौर पर होता है और वो भी इस तरह से वीडियोज बनाते हैं। तो जरूरी है कि तमाम चीजों पर भी ध्यान दिया जाए, अगर वीडियो सामने आ रही है कोई ना कोई बात जरूर हो सकती है, तो ये तमाम चीजें जो है ध्यान में रखना जरूरी है और एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना जो है वो ज्यादा अहम है। बिल्कुल किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जी। देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कहीं ना कहीं हमने ये आए दिन देखा है हम ट्रैफिक विभाग के ऊपर सवाल नहीं उठा, जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद होता है तो आए दिन हमने ये देखा है कि जो जखैनी का जो पड़ाव है वहां से जो कोई घाटी की तरफ जहाँ टूरिस्ट स्थानों की तरफ जो गाड़ी जाना चाहती है वहां पे जो कोई बाहरी राज्यों से मुसाफिर आते हैं वो कहीं ना कहीं उस इलाके को हमने भी ये अपने कैमरे में भी कैद किया कि वहां से भागने का प्रयास करते हैं तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से वहां पे डंडे भी कहीं ना कहीं बरसाने पड़ते हैं, ये हमने भी देखा है। लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, जिस तरह से अब उनकी चालक उनको लहूलुहान आपने देखा किस तरह से उनके जो है वो सिर से खून निकल रहा है, लेकिन इस तरह से अगर ट्रैफिक विभाग या पुलिस विभाग इस तरह से करता है तो कहीं ना कहीं कानून को भी होना चाहिए कि इस तरह से अपनी वर्दी का जो है वो मिसयूज यहाँ पे ना करें। लेकिन जिस तरह से अभी सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं ये पहला वाक्य नहीं है, रामपुर जिला से भी काफी इस तरह की जो वीडियो है वो निकल के पहले भी सामने आई है कि
जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी हैं, इन लोगों को जो है वो बेवजह जो है वो इनका आरोप आए दिन लगाते रहते हैं कि हमें तंग किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब ट्रैफिक विभाग का भी अभी जो इसमें बयान कोई जो है वो सामने नहीं आया है, अभी हमने जो है डीएसपी ट्रैफिक है उनसे हमने जो बात की है, उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मामला है उसको सुलझा दिया गया है। लेकिन जैसे ही आगे इस तरह की जो वीडियो वायरल होंगी हम जरूर ये देखेंगे और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के चालक आए दिन जो है वो पुलिस पे या ट्रैफिक विभाग पे जो है वो सवालिए निशान जो है वो उठाते हैं। जी जसदीप, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत जरूरी भी है कि इस पर जो है पूरी कार्रवाई भी की जाए। और जिस तरह से किशोर ने साफ तौर पर अभी बताया है कि सिर्फ आए दिन नहीं, कई बार इस तरह ये वाक्या देखे जाते हैं, पर जरूरी है कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो फॉलो किया जाए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, और आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।